आले एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम सब लोग, कैसे हो? कहता हूँ कि सब लोग ठीक फर्स्ट क्लास मजे में होंगे, हमारी सारी वीडियोस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे भाई सब रेंट पर्पस के लिए। स्पेशली ये वीडियो रेंट वालों के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर रेंट के लिए घर जो है वो सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अभी रमज़ान का जो है वो मिड चल रहा है और इसके बाद जो है ईद के फौरी बाद बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने घरों की शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है समर स्टार्ट हो रहा है, तो समर में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर जो है चेंज करते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, ये टॉपिक बात का है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं 3.5 मरला हाउस का रिव्यू करने के लिए, जो कि अलनूर गार्डन VIP ब्लॉक में है, ब्रांड न्यू हाउस है। इस घर का मैंने पर्सनल विजिट किया, आउटस्टैंडिंग है और आपको भी ये घर जो है वो पसंद आने वाला है। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो। तो चलो चलते हैं इस घर की सैर के लिए। घर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, घर अच्छा लगा तो कमेंट मुझे लाजमी करना है। चलते हैं सबसे पहले इस घर के गैराज में, जो है काफ़ी खूबसूरत किस्म का बड़ी गाड़ी यहाँ पे आसानी से पार्क हो सकती है। इसकी सीलिंग डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर तंग कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ज़रा हटता नज़र आएगा। तो घर जो है काफ़ी खूबसूरत है, सफाई भी इसकी होने वाली है, आज ही की डेट में जो है ये कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहली वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर जो है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी खूबसूरत घर है, बड़ी गाड़ी यहाँ पे बहुत आसानी से पार्क हो सकती है, इवन कि फॉर्चूनर की यहाँ पे स्पेस है, यानी कि इतना कंफर्टेबल इसका जो है वो गैराज बनाया गया। ठीक है जी, सामने इसके बहुत खूबसूरत जो है वो डोर है, ये सामने इसका आ जाएगा सर्वेंट क्वार्टर। ठीक है जी, वॉशरूम। ठीक है जी, और अब हम लोग चलते हैं जी इस घर के TV लाउंज की तरफ। सबसे पहले इसके खूबसूरत डोर बहुत अच्छे दिए गए हैं, अमूमन ये डोर जो है वो सारे लग्जरी घरों में दिए जाते हैं। तो भाई घर की भी सफाई होने वाली है, तो मैं ऐसे ही रैंडम इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा कोऑपरेट कीजिएगा। हम आ चुके हैं जी सबसे पहले इस घर के TV लाउंज में, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। TV लाउंज के साथ इसका बेडरूम के साथ ही इसकी किचन, और किचन के साथ ही इसका LCD पॉइंट। ये सामने आ जाएगा जी इसका ड्राइंग रूम में खूबसूरत वॉलपेपर दिया गया है, और ये सामने वाली जो इसकी वॉल है इस पर शेड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। मैं इसको आपको इसको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ, तो बहुत ऑसम किस्म के इसके लुक है। ये आ जाएगा जी इसका ड्राइंग रूम में खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, इसका जो है रास्ता बाहर से भी है और TV लाउंज से भी कनेक्ट है। ठीक है जी, ये आएगा जी इसका ड्राइंग रूम। ये आ जाएगा इसका LCD पॉइंट के बिल्कुल साथ ही इसका किचन जो है वो काफ़ी खूबसूरत दिया गया है, स्मार्ट सा किचन है। अमूमन ये वाले किचन जो है सारे बड़े घरों में दिए जाते हैं, और खूबसूरत जो है इन्होंने सारी एक्सेसरी जो है वो इस्तेमाल की गई है। अगर मैं आपको इसका ऊपर वाला जब फ्लोर विजिट करवाऊँगा तो आपको कमाल ही हो गया, ये इसके जो है वो एक्सेसरी यूज़ की गई है सारी, इसमें डिफरेंट एक्सेसरी जो है वो यूज़ की गई है। सबसे पहले इस घर के पहले मास्टर बेड में, जो कि नीचे वाले फ्लोर के साथ कनेक्ट है, ये आएगी इसकी खूबसूरत सीलिंग डिजाइन। इसका रूम का ओवरव्यू, सामने LCD पॉइंट, खूबसूरत वॉलपेपर। चलते हैं जी इस घर के पहले मास्टर बेड के साथ अटैच वॉशरूम में, जहां पे सारी जो है वो एसेसरी ब्लैक कलर की यूज की गई है, कमोड का यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया गया है। ठीक है जी, खूबसूरत सा इन्वायरमेंट है, खूबसूरत सा वॉशरूम है। वॉशरूम में अगर हम लोग बात करें इसके सिंक जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा और डिफरेंट खूबसूरत सा दिया गया, जैसे वुडन स्टाइल है। और ये आ जाएगा इसका मिरर। अब चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, ये आ जाएंगे इसके ऊपर वाले फ्लोर की स्टेयर्स। जैसे कि मैंने आपके साथ बात की थी, इसका ऊपर वाला फ्लोर जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, जो कि पर्सनली मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा चलें इसके बारे में आपके साथ भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये ऊपर वाला फ्लोर इसका काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी मज़े वाला है। अगर मैं बात करूँ इस घर के पूरे टाइल की, तो टाइल जो है वो सारी इन्होंने स्कीम गोल्डन ब्राउन की थीम दी हुई है, और उसी थीम के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने सामने जो है वो शेडिंग इंस्टॉल की गई है। ठीक है जी, ये आएगा इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के बाद आ जाएगी इसका TV लाउंज, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, सामने LCD पॉइंट है। आ जाएगा ऊपर वाले TV लाउंज का ओवरव्यू में भी काफ़ी खूबसूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो जो है वो रात के 1:30 बजे शूट की जा रही है, और आज जो है वो 17वां माशाल्लाह रमज़ान है,
तो मामूलाती ज़िंदगी को देखते हुए हम आप लोगों के लिए इसीलिए वीडियोस जो हैं वो लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो कि भाई हम आप लोगों के चैनल पे एक्टिव हैं, क्योंकि आप लोगों के एक्टिव होने से ही हम लोग हैं। इस चैनल की जितनी भी बुनियाद है वो सारी आप लोगों की है। आज हमारे इस चैनल पर जो है वो 6,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो कि मेरी फैमिली बन चुकी है यूट्यूब की, जो हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। चले चलते हैं इसके ऊपर वाले दूसरे बेड के वॉशरूम में, क्योंकि उस टाइम वीडियो के दरमियान में आपसे बात कर रहा था। सामने खूबसूरत जो है उसका सिंक है, शावर एरिया काफ़ी अच्छा है और इस वॉशरूम में जो है वो सीट का इस्तेमाल किया गया है। चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर के सेकंड बेड पे, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। सेम बेड के ऊपर सेम पैटर्न है, काफ़ी लग्जरी और काफ़ी कंफर्टेबल ये बेड जो है हमें फील हो रहा है। इसमें मास्टर बेड बहुत आसानी से जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ये आ जाएगा इसका रूम, रूम में आप देख सकते हैं सामने वाली साइड पर जो है वो शेड इंस्टॉल की गई है ब्लैक कलर की और काफ़ी खूबसूरत किस्म की है। अब दिखाता हूँ मैं आपको इस रूम का पूरा ओवरव्यू। खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के सामने इसका खूबसूरत वॉलपेपर। अगर मैं बात करूँ इस घर के रूम के जो डोर्स हैं, स्पेशली डोर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे घरों की वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे घरों के वीडियोस में जो है वो हमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनकी सिर्फ फ्रंट वाली सीट जो है वो कुछ और किस्म की होती है लेकिन अंदर मटेरियल कुछ और किस्म का। लेकिन इसके जितने भी डोर हैं सारे प्योर वुडन से बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके डोर हैं, जो कि इसके पूरे रूम को सूट करें। तो अब चलते हैं हम लोग इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में जो है वो सेम एज इट इज कमोड का जो है वो इंस्टॉलेशन किया गया है। ब्लू कलर की मास्टर टाइल जो है उसमें लगाई गई है, ब्लैक कलर का इसमें जो है सेम शावर एरिया जो है वो दिया गया है। इसका जो नल है वो ब्लैक कलर की इंस्टॉलेशन की गई है। सेम इसका डाउन वाला जो है वो आपको मिरर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके सिंक की, तो सिंक जो है उसका काफ़ी खूबसूरत सा, लाइक इज अ वेरी स्मॉल लिटिल सा जो है उसका डीप बाउल वाला है और इसके साथ जो है ब्लैक कलर का जो है वो नल इस्तेमाल किया हुआ है। और इसी तरह हम लोग आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनती है ना वो बनाने का हमें बहुत मज़ा आता है। तो चले अब वॉशरूम से निकल के चलते हैं इस घर के जो है सेकेंड किचन की तरफ, जो कि ऊपर वाले फ्लोर के साथ कनेक्ट है। और अब हम आपको उसके किचन का भी ओवरव्यू करवाते हैं। ये आ जाएगा इसका किचन। किचन भी काफ़ी खूबसूरत एंड कम्फर्टेबल सा है, लाइक इज अ स्मॉल फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर दो फैमिलीज यहाँ पे रहना चाहें उनके तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये आ जाता है ये है जी इसकी छत, छत में जो है ऊपर स्टोर रूम है। एंड आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो दैट मैंने इस वीडियो में बहुत दफ़ा जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दिया, और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया वो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह मुझे आगे वाली वीडियो में नहीं कहना पड़ेगा। तो मुझे तो इजाज़त आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।